खाना खा के अपना घर में बातचीत कर रहे थे, उसी समय ट्रेन में बिल्कुल आवाज चेंज होके आवाज आई। हादसा, ये वो शब्द है जो अपने पीछे कुछ ना कुछ छोड़ ही जाता है, किसी के लिए सबक तो किसी के लिए जख्म। इन हादसों को हम तस्वीरों से याद करते हैं। ताजा उदाहरण जो हम सबके जहन में याद आता है वो है ओडिशा के बालासोर का ट्रेन एक्सीडेंट, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। बालासोर से जो तस्वीरें सामने आईं, उसने सबको हिला कर रख दिया था। इस हादसे के कुछ ही महीनों बाद एक और तस्वीर अब बिहार से सामने आई है। बिहार के बक्सर में एक ट्रेन बेपटरी हुई और इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। बिहार के बक्सर से जो तस्वीरें सामने आई हैं, इन तस्वीरों को मौजूदा ट्रेंड में सेल्फी का नाम दिया गया है। एक परिवार की ओर से ली गई इस सेल्फी में आपको मुस्कुराते कुछ चेहरे नजर आ रहे हैं। इस सेल्फी को लेने के पीछे का मकसद इस ट्रेन के सफर को खुशनुमा लम्हों में कैद करना था, लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि एक साथ ली गई ये सेल्फी इनकी जिंदगी की आखिरी तस्वीर बनकर रह जाएगी और पीछे छोड़ जाएगी कभी ना मिटने वाला जख्म। बक्सर ट्रेन हादसे में जिन 4 लोगों की जान गई, उसमें असम जा रही दीपक भंडारी की पत्नी उषा भंडारी और उनकी 8 साल की बेटी आकृति भंडारी भी शामिल है। पति पत्नी और 2 बेटियों का परिवार असम जा रहा था। पत्नी और 2 बेटियों के साथ दीपक भंडारी ट्रेन में सवार थे और आनंद विहार टर्मिनल पर ट्रेन में सवार होने से पहले ये सेल्फी ली गई थी, इस बात से अनजान कि कुछ ही समय बाद उनकी पूरी दुनिया उजड़ने वाली है। आनंद विहार टर्मिनल पर दीपक भंडारी अपने परिवार के साथ असम जाने के लिए चढ़े तो थे, लेकिन मंजिल से पहले ही पूरा परिवार बिखर गया। बक्सर ट्रेन हादसे में दीपक भंडारी और उनकी एक बेटी तो बच गई, लेकिन उनकी पत्नी और एक बेटी नहीं रही। आरा बक्सर के बीच नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन के बेपटरी होने के बाद जब बोगी के अंदर अंधेरा था तो सब लोग अपनों को ढूंढ रहे थे। उसी में दीपक भंडारी भी थे, अपनी दोनों बेटियों और पत्नी को खोज रहे थे। इसी दौरान उनकी एक बेटी की आवाज सुनाई थी। घुप अंधेरे में उन्होंने अपनी एक बेटी को किसी तरीके से ढूंढ लिया। थोड़ी आस जगी कि शायद सब ठीक है। एक बेटी को ढूंढने के बाद दीपक ने अपनी पत्नी और दूसरी बेटी की तलाश शुरू की। काफी देर तक वो ट्रेन में उन्हें ढूंढते रहे, लेकिन उनकी पत्नी उषा और बेटी आकृति उन्हें नहीं मिली। फिर दीपक ने ट्रेन के बाहर उनकी तलाश शुरू की। जैसे ही वो ट्रेन के बाहर निकले तो उन्हें उनकी पत्नी और बेटी नजर आई। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी और बेटी ट्रेन से बाहर गिरी हुई है। वो दौड़ते भागते बदहवास उनके पास पहुंचते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों की सांसें रुक चुकी थी। दीपक ने अपनी पत्नी और बेटी को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो जा चुकी थी हमेशा हमेशा के लिए।